हैरान हूँ, परेशान हूँ, दर दर ठोकर खाकर खड़ा रहने वाला चट्टान हूँ। हालात से जो हार न सके मैं वो इंसान हूँ। हाँ, मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ। रंजीत कौर संधु सोनी दी सारयां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। रंजीत रेडियो सारयां दा बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जिवें तुसीं जानदे हो कि किसान जो हुंदे ने वो अन्नदाता हुंदे ने। उन्हां दे घरों ही साडे घरां दे विच अन्न आउंदा है ते असीं अपना पेट पाल सकते हां। ते जदों किसान दुखी होवे तां मैनूं लगदा कुल दुनिया ही दुखी होवेगी, क्योंकि किसान ही सानूं पालण वाला है। जी हाँ, अज असीं गल करन जा रहे हैं दीन बंधु सर छोटू राम जी दी, जिन्हां दा असली नाम राम रिशपाल सी ते उन्हां दा जन्म गढ़ी सांपला पिंड दे विच होया और एक गरीब घर दे विच होया, गरीब किसान दे घर होया, जिथे उन्होंने साहूकारां दे जुलम दे विरुद्ध आवाज़ उठाई। जदों उन्हां दे पिता जी एक साहूकार कोल करजा मंगण गए और उस दे व्यवहार तो तंग आ के सर छोटू राम ने अपने मन दे विच एक जोत जगाई, एक एहो जी जोत जिसने सारी दुनिया नूं रोशनी दित्ती, सारे किसानां नूं। संयुक्त पंजाब, जदों संयुक्त भारत हुंदा सीगा, जदों पाकिस्तान नहीं हुंदा सीगा, उस वेले सर छोटू राम ने बहुत कुछ किया। उस टाइम ते किया जदों अंग्रेज़ां दा समा सी, जदों साडा देश गुलाम सी और अंग्रेज़ां नूं बेबस कर दिता उन्हां दे अगे झुकण दे वास्ते। उन्हां दी जिहड़ी पढ़ाई सीगी, ग्रेजुएशन और लॉ दी डिग्री जिहड़ी छज्जू राम जी दी सहायता दे नाल होई, उन्होंने वकालत शुरू की। वकालत तो बाद उन्होंने फैसला किया कि राजनीति दे विच आया जावे तां कि आम लोकां दा जन कल्याण सके। तो उन्होंने इस गल नूं मद्देनज़र रखदिया होया रोहतक तो जिहड़े आ उह प्रथम अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी दे। अगे जा के उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की और जाट गजट जिहड़ा पब्लिश किया, उस टाइम तो उर्दू दे विच पब्लिश होया। विचारा जिमीदार दे विच उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारे कानून इहो जिहे बनाए जिस दे तहत जिहड़े जिमीदार सी जमीन कुरक नहीं कर सकते सी, बहुत ज़्यादा भला किया। हौजरी उद्योग दे विच बड़ा अच्छा उन्होंने रोल जिहड़ा है अदा किया और उन्होंने जिन्ना भी देर उन्हों का जीवन रहा उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। और जो भाखड़ा नंगल डैम है वो जी कल्पना सी उन्होंने ही की, उन्होंने जाने की सर्वजनक खेतरां दे विच जिहड़ा अपना योगदान दिता। इसी करके कहिंदे ने दीन बंधु सर छोटू राम जी। चौधरी वरिंदर सिंह जी जो उन्होंने ही परिवार के विच ने, उन्होंने नाना जी सन सर छोटू राम जी, और उन्होंने मेहनत सदका अज उन्हां दी स्पीचेस और राइटिंग्स के उत्ते 5 वॉल्यूम रिलीज़ होए जो कि भारत के आदरयोग उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने किए। और इस समागम के हरियाणे के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी शामिल रहे। इस तो अलावा चौधरी वरिंदर सिंह के पुत्र चौधरी बरजिंदर सिंह जो कि सांसद ने हिसार तो वह भी शामिल रहे। और सब तो वड्डा जिहड़ा क्रेडिट जाता है वह प्रोफेसर रघुविंदर तंवर जी नूं जाता, जिन्होंने इस दे उत्ते मेहनत की और इस चीज़ नूं जिहड़ा है वह लोगों के लैके आए। क्योंकि जिहड़ियां साडियां पूर्वज जिहड़े होए ने जिन्होंने सानूं बहुत सारा ज्ञान दिता, सानूं रोशनी दिती, तो साडा भी फर्ज बनता है कि असीं उन्हां दी विचारधारा तो रूबरू होइए। अपने सिलेबस किताबों तो अलावा इहो जिहे योध्यां दी भी असीं जिहड़ियां जीवनियां पढ़ीए तां कि असीं अपने जीवन के संघर्ष नूं चंगी तरह नाल जित सकीए और अगे वध सकीए। आओ जी, रणजीत रेडियो का उपराला है और डॉक्टर विनोद सोनी का बड़ा वड्डा योगदान रहिंदा हर प्रोग्राम दे विच, चाहे वह कैमरे के सामने नहीं आते पर पिछे वह बहुत वड्डी भूमिका निभाते हैं। सो आओ तुहानूं लै चलदे हां गुरुग्राम, जिथे प्रोग्राम दीआं तुसीं झलकियां आदरयोग उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का भाषण सुनोगे, चौधरी वरिंदर जी सिंह और रघुविंदर सिंह रघुविंदर तंवर जी का भाषण सुनोगे। इस तों अलावा तुहानूं कुछ किसानां दी भी गलबात सुनावांगे जिन्हां ने अपने अजोके समय दे और सर छोटू राम दे टाइम दे जिहड़े अनुभव है वह उन्होंने साडे नाल सांझे कीते। आओ चलदे हां, सुणदे हां कुछ झलकियां इस प्रोग्राम दीआं। और हरियाणा अकैडमी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर नूं भी बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने यह काम किया और हरियाणा सरकार ने इहदे विच बहुत वड्डा योगदान दिता। आओ जी चलदे हां। पूर्व केंद्र मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उत्तराखंड के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, उपस्थित सभी वर्तमान और पूर्व मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी
सम्मानित सज्जन वृंद, और ये जो आज 5 खंडों का विमोचन हो रहा है, इस विमोचन के, इस 5 खंडों के रचनाकार, इसके जो लेखक, ऐसे हमारे हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी के निदेशक एवं इतिहासकार प्रोफेसर रघुवंदर कंवर जी, आज का ये अवसर बहुत ही एक शुभ संयोगी है कि आज अनंत चतुर्दशी का पर्व भी है, और एक ऐसे अवसर पर एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने इस देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, जो पीड़ित वर्ग है उसके लिए किस प्रकार का कार्य किया, उनकी जीवनी, उनका विचार, उनके आदर्श, इसको संकलित करते हुए ये जो 5 खंड राइटिंग एंड स्पीचेस, ऐसे जो 5 खंड हैं जिनका आज विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से होगा, ये एक बहुत ही एक शुभ अवसर है। हम सब जानते हैं कि एक महान समाज सुधारक चौधरी छोटूराम जी, वो अच्छे विद्वान, पढ़े लिखे वकील, और वकील के साथ उन्होंने अपने प्रैक्टिस करते हुए समाचार पत्रों के साथ जिस प्रकार का एक सजीवत्व, उनका एक संबंध, जैसे अपने विचारों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना, और जैसे अभी फिल्म में दर्शाया गया कि अपने सार्वजनिक काल में उन्होंने हर क्षेत्र को आगे बढ़ाया, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि व्यापारियों के लिए भी ये जो 8 घंटे का काम करने का जो कानून है, ये उन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ, वरना कोई उसका नियम कायदा नहीं था। सेना के अंदर भी भर्ती करने के लिए अपने क्षेत्र के नौजवानों को, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें रोहतक रोहतक क्षेत्र के 22,000 जवानों ने भर्ती कराए, यानी किस प्रकार से देश के प्रति उनके मन में प्यार था, प्रेम था, मिलकर के सब लोग उस समय काम करते थे, मतभिन्नता होने के बाद भी एक दूसरे का मान सम्मान करते थे। एक समय आया महात्मा गांधी जी के साथ किन्हीं विषयों को लेकर उनके मतभेद भी हुए, लेकिन फिर भी वो महात्मा गांधी जी का भी सम्मान करते थे, क्योंकि आखिर इस देश के सभी ऐसे महान व्यक्तित्व मिलकर के देश की आजादी जिसको दिलाना है तभी संभव हो पाएगी, जब एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, मार्ग अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे समय में किसानों की जो हालत थी वो उस समय बहुत ही, इस प्रकार से अंग्रेजों के कार्यकाल के दबाव में उनको एक दयनीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। कैसे कानून बनाकर और किसानों के जीवन को सुखी किया जा सकता है, मजदूरों के जीवन को सुखी किया जा सकता है, ऐसी मुहिम उन्होंने चलाई। विस्तार में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन आज चूंकि हमको माननीय उपराष्ट्रपति जी के मुखारविंद से, क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी भी स्वयं किसान परिवार से संबंध रखते हैं, इनको भी पता है कि किसान की क्या पीड़ा, क्या तकलीफ होती है, और सामाजिक दृष्टिकोण इनके भी बच्चनी नौजवानी में जैसा संघर्ष और जैसे आंदोलन उन्होंने किए, अपने समय में उन्होंने जय आंध्र आंदोलन ये चलाया, और आंध्र में मूल के नियम जो बने हुए थे उनको दूर कराया। तो जीवन के अंदर समाज को प्रेरणा देने के लिए बहुत से महापुरुष, और उन महापुरुषों को चूंकि एक समय कार्यकाल एक निश्चित होता है, बाद में उनके विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए साहित्य ही एकमात्र साधन होता है जिसके माध्यम से उनको जीवित रखा जा सकता है। तो साहित्य, उसका संकलन, और वो भी जब बहुत बिखरा हुआ साहित्य हो, उस सबको इकट्ठा करना, उसको ठीक से अनुवाद करके उसको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसको एक लिखित स्वरूप देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक काम है जो हमारे प्रोफेसर रघुवंदर कंवर जी ने किया है। ये भी एक बहुत ही, जब इन्होंने पहली बार विचार रखा तो ठीक बात है, मैंने इनको कहा कि महापुरुषों के बारे में जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनके साहित्य के बारे में जितना आप लिख सकते हैं आप लिखिए, इनको पूरी छूट दी थी। और मुझे खुशी है कि आज भले इस बात को 5 साल हो गए हैं, काफी समय लगता है, लिखा भी है, लेकिन कोविड के कारण से ये जो विमोचन का कार्यक्रम है ये 1-1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया, लेकिन अब ये हो रहा है तो भी आखिर ये साहित्य हमारे नौजवानों के हाथ में जाएगा,
हमारे ऐसे लोग जो देश और समाज के लिए काम करना चाहते हैं उनके हाथ में जाएगा तो निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिलेगी। तो आज के अवसर पर मैं तो आप सबको और हमारे बीच में जो भी लोग बैठे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि इस प्रकार का साहित्य हमारे हाथ में आएगा अवसर मिलने पर, क्योंकि समय की आवश्यकता पढ़ने के लिए भी होती है, जरूर समय निकाल करके इसमें आवश्यक जितनी सामग्री है उसको जरूर पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उनके कदमों पर जितना हम चल सकते हैं उतना अवसर जरूर लेना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं इतनी ही बात कह करके अपने उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का आभार प्रकट करता हूँ कि ये हरियाणा में आकर के इन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थिति अपनी की है और इस पवित्र कार्य को आप अपने हाथों से कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह, माननीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, माननीय श्री विजय भगुना जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, अनेक विधायक सांसद, बहुत लोग विशिष्ट लोग आज इस सभा में उपस्थित हैं और क्यों ना हो, ये एक बहुत विशिष्ट विशेष दिवस है और एक ऐसे व्यक्ति के हाथों सो छोटू राम के इस जीवन भर की प्रयास की आज विमोचन होना है जो स्वयं एक किसान नेता रहे हैं, सारा जीवन उन्होंने इस संघर्ष में बिताया। हमारे सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी का मैं जिक्र कर रहा हूं। ये माननीय उपराष्ट्रपति जी, ये ग्रंथों का जो विमोचन है इसकी कहानी लगभग 50 साल पहले जाती है। 1970 के दशक में बहुत अच्छा पीएचडी थीसिस आया पंजाब यूनिवर्सिटी से सर वाईपी प्रोफेसर वाईपी बजाज का, जो सर छोटू राम एंड हिज राइटिंग्स पर निर्धारित था। उससे हमें अंदाजा लगा आज हमारे बीच प्रोफेसर के सी यादव नहीं है। तो उस समय मैं 1980 में मैंने अपने पीएचडी के लिए ये रजिस्ट्रेशन किया छोटू राम एंड यूनियनिस्ट पार्टी, 1980 की बात है। उससे पहले वो थीसिस बहुत अच्छा आ चुका था। जब तक किसी को एहसास नहीं था कि इस महान पुरुष के क्या लेख हैं, क्या इन्होंने लिखा है, तो जब मेरी पुस्तक छपी 1989 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंदाजा लगा कि इतना खंड हमारे पास है, इतना मटेरियल हमारे पास है जिसका विमोचन, जिसको हम इसको एक वॉल्यूम्स में लाए। हमने सोचा था दो वॉल्यूम्स में हो जाएगा, फिर तीन वॉल्यूम्स में हो जाए, आज भी पांच वॉल्यूम्स के मुझे लगता है कुछ थोड़ा बहुत बाहर रह गया है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस व्यक्ति की लेखन, इनके अगर आप पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट्स पढ़ें, काउंसिल की डिबेट्स पढ़ें, तो आपको आश्चर्य होगा कि किस प्रकार का इस व्यक्ति का इंटेलेक्ट था, कितनी दूर की इनकी सोच थी। 1916 में इस एकेडमी का कार्यभार मुझे सौंपा गया, तो मेरे याद है लगभग यही दिन थे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और कहा कि बहुत सालों से ये प्रयास हो रहा है और हमें इसको करना है। तो उनके जो शब्द हैं मुझे आज भी याद हैं, उन्होंने कहा इस प्रयास में कोई धनराशि की आवश्यकता हो, किसी प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता हो, आप सीधे मेरे पास आए। जब भी मैं उनसे मिलता वो काम की बात बाद में करते, पूछते उस प्रोजेक्ट का क्या हल है, पर एक शर्त इन्होंने रखी कि जो विमोचन ये होगा, जो वॉल्यूम्स भी आएंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हों और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने आश्वासन तो दे दिया, मुझे अंदाजा नहीं था कि हम इसको कर पाएंगे। तो ये इस विमोचन की मूल कहानी है। चौधरी बीरेंद्र सिंह आज मंच पर उपस्थित हैं, बहुत सालों से मेरा संपर्क है, हम लोग बात करते रहे, पूछते, कुछ वजह से ये विमोचन ये रुक गया। लगभग एक डेढ़ साल पहले ये वॉल्यूम्स तैयार हो गए थे, पर हमने भी ठानी हुई थी कि माननीय उपराष्ट्रपति जी के हाथों से ही ये करकमलों का विमोचन होना है, किसान नेता है, मुख्यमंत्री जी का यही आदेश था। तो मैं बहुत आभारी हूं सर कि आपने आज हमें समय दिया है हमारे बीच आने का। ये पांच वॉल्यूम्स का काम है। पहले तीन वॉल्यूम्स 1907 से लेकर 1945 तक के वॉल्यूम्स हैं। ये छोटू राम जी उर्दू या इंग्लिश में लिखते थे। तो पहले तीन वॉल्यूम्स में जो कुछ उन्होंने कहा है, जो कुछ उन्होंने लिखा है, असेंबली में हो, काउंसिल में हो, किसी समाचार पत्र में हो, किसी पब्लिक मीटिंग में हो, उसको हमने कंपाइल किया है। कोई भी हिस्टोरियन ये आश्वासन नहीं दे सकता कि ये कंप्लीट वर्क्स है, किसी के वर्क्स कंप्लीट नहीं होते हैं, आप सब जानते हैं। ये समय समय के तो और कोई इक्का दुक्का ये लिखा जाए,
तो ये रनिंग प्रोसेस है। आज की डेट में ऐसा कोई महत्वपूर्ण भाषण छोटूराम जी का किसी मंच से दिया गया हो, कोई पत्र छोटा चार लाइन का पत्र हो, पूरा अनेक पन्नों का पत्र हो, वो इस इन वॉल्यूम्स तीन वॉल्यूम्स में उपलब्ध है। पहले वॉल्यूम की विशेषता सर ये है कि सर छोटूराम एक ग्रामीण जीवन, जैसे मुझे दोहराने की बात नहीं है, बहुत ही सीधे परिवार से थे, परंतु देखिए सेंट स्टीफन्स कॉलेज में उन्होंने दाखिला प्राप्त किया, जबकि किसी भारतीय के लिए जाना लगभग असंभव था उस जमाने में। तो उन्होंने एक लेख लिखा 1907 में, मेरे पिताजी क्योंकि जानते थे, उनसे अच्छे रिलेशंस थे, तो उन्होंने बताया भी लिखते बहुत थे, उनका सेंट स्टीफन्स कॉलेज की मैगजीन में सर लेख छपा है। पीएचडी थीसिस जब मैं करने लगा, प्रोफेसर यादव से भी मैंने डिस्कस किया, तो कहने लगे वो खोजना है। तो मुझे याद है उनके प्रथम जो मैगजीन था सेंट स्टीफन्स कॉलेज का, उसमें ये लेख है विलेज लाइफ पर। विश्वास कीजिए कि मैंने आज तक 40 साल हिस्ट्री पढ़ाई है, 45 साल, मैंने ऐसा लेख हरियाणा के ग्रामीण जीवन पर नहीं पढ़ा है। और ये बात आप देखिए 1907 की, 20-22 साल का लड़का युवक ग्रामीण क्षेत्र से आया है, अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोलते थे। तो इस प्रकार के ग्रंथ इसमें ये फैसिनेटिंग वॉल्यूम्स हैं। जो अन्य दो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 4 और 4, इसमें अनेक लेख हैं। फॉर एग्जांपल मंडी एक्ट पास होता है, जब किसानों के लिए संघर्ष, जो लॉज बनते हैं, बिल्स पास होते हैं असेंबली के अंदर, तो कई कई घंटे जो मैं पढ़ता, जब असेंबली की हम पढ़ने लगे, कई कई घंटे, ये उस जमाने में समय होता था, कोई जल्द नहीं होता, तो कई कई घंटे ये बिल के पक्ष में बोल रहे हैं, और वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि समय की सीमा है आज, पर घंटों में इसको आपको समझा सकता हूं किस भाषण में क्या किया उन्होंने। तो पढ़ने लगे तो लगता है कि अगला पन्ना पढ़े और जाएं। वॉल्यूम 4 और 5 ये जाट गैजेट है। जाट गैजेट जैसे बताया गया मन से कि 1916 में प्रकाशन हुआ, उर्दू में होता था ये, मूल उस जमाने में ये एक ऐसा मंच बना कि कोई भी समस्या ग्रामीण पंजाब की हो, पंजाब से मेरा मतलब अभिप्राय है कि 29 जिले पंजाब के, आज का पंजाब नहीं, उस जमाने के 29 जिले, समस्त उत्तर भारत लगभग ये है, कोई भी समस्या होती थी डाट गजट में उसको जगह मिलती थी। हमारे सामने क्या समस्या आई कि उर्दू से ट्रांसलेट करें तो हिंदी में लाएं, तो नेचुरली उस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए सौभाग्य से मुझे बहुत एक अच्छे हमारे कोलीग दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, पर्शियन और उर्दू के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनकी टीम, उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत सुंदर इसका अनुवाद हुआ इन दोनों वॉल्यूम्स को, जो आज आपके सामने आएगा। मुझे आदेश हुआ है हमारे मंत्री जी जो कंवर पाल जी हैं कि पहले मैं हम कर नहीं पाए थे जल्दी कि हम तीन वॉल्यूम्स का हिंदी इंग्लिश वालों का भी हम हिंदी में अनुवाद करें, और वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी आपके सामने आएगा, क्योंकि बहुत उसकी डिमांड है उन तीन वॉल्यूम्स की। अंग्रेजी भाषा बोलते तो जरूर है, पर जनमानस की भाषा भी नहीं बात पहुंचती नहीं है। ये कुछ छोटी सी बातें हैं 2-4 में जो आपको इन मंचों इन दूसरी एक चीज और जो बताना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल रेट इन किताबों को अगर आप देखेंगे तो ये कई हजार रुपए का इसका होता, हमने इसको बहुत हेविली सब्सिडाइज किया है। अब पांचों वॉल्यूम को आप 17-18 सौ रुपए में खरीद सकते हैं, यानी एक वॉल्यूम की कीमत जो है वो 2-3 हजार हो सकती थी, हमने 5 वॉल्यूम्स को हमने 17-18 सौ में दिया है। अगेन माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि इस प्रकार की कीमत रखिए कि हर आदमी इसको खरीद सके। आज हमने बाहर एक 40-50 के सेट्स का किया है, हमारे पास प्रबंध है, आप ऑर्डर करिए और आपके घर वो किताबें पहुंच जाएंगे। मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत आभारी हूं, इतनी अच्छी मात्रा में आप आए हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि सर आपने 1.5 साल तक हमारे इस बात को याद रखा, हमें समय दिया, और आपके हाथों इन वॉल्यूम्स का विमोचन होगा। इससे मैं कहीं अगर छोटूराम जी देख रहे हो, इस बात को सुन रहे हो, तो मुझे विश्वास है कि उनके मन को, उनकी आत्मा को कितनी शांति आज मिलेगी कि किसान लीडर के हाथ ही उनके उनके विचारों का विमोचन हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, भूतपूर्व केंद्र मंत्री, मेरा पुराना साथी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, लोकसभा के माननीय सदस्य श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी, माननीय संसद सदस्य और विधायकगण, मंत्रीगण, भूतपूर्व संसद सदस्यगण, प्रदेश के कला और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुरेश जी, प्रोफेसर श्री राघवेंद्र सरवर जी,
सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, बहनों और भाइयों, आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं बहुत इच्छुक थे। सचमुच में गत 18-20 महीने से मैं और वीरेंद्र सिंह जी हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, बीच में मुख्यमंत्री से भी सलाह मशवरा कर रहे थे, कार्यक्रम कब करना, कैसा करना। ऐसी ऐसी कोविड और इसका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइंस, रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन जो परिस्थिति बना उसके कारण से हम लोग इसको सही समय पे एक कार्यक्रम नहीं कर पाया। मगर उन लोगों ने भी कहा, मुझे भी इच्छा था, मैं खुद आके इस पुस्तक को यही हरियाणा धरती का उनका कार्यक्षेत्र में ही इसको विमोचन करें। नहीं तो आपको मालूम है पद्धति है, आजकल ये सभी कार्यक्रम वर्चुअल उपराष्ट्रपति निवास से ही होता है। मगर मैं चाहते थे और वीरेंद्र सिंह जी का भी इच्छा था, मैं जरूर यहाँ आऊं और इस कार्यक्रम को करूं। और एक विषय भी मैं आपको बताना चाहता हूं, सचमुच में हम इसको आम मैदान में करना चाहते थे, लोगों के बीच में और हरियाणा का केंद्र में, रोहतक या सोनीपत में करना चाहते थे। मगर जो ये रिस्ट्रिक्शंस है ना, नियम है, वो नियम को पालन करना हर एक कर्तव्य है, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री भी, जो भी हो। इसलिए हमने ये कार्यक्रम फाइनली यहाँ करने का निर्णय किया। आज सचमुच में मैं बहुत प्रसन्न हूँ और प्रसन्नता और भी बढ़िया है, यहाँ आके हमारा पुराना मित्र श्री ओम प्रकाश जी चौधरी से जिसे मिलने का मौका मिला है। मैं बहुत साल से उनको जानता हूँ, उनके पिताजी से बचपन से थोड़ा सा परिचय, और बाद में ओम प्रकाश चौधरी जी से भी मेरा इतना सान्निहित था, राजनीति में, राजनीति के बाहर भी। और साथ ही साथ विजय बहुगुणा जी, जिनका पिताजी से, इनके पिताजी जब वो नेल्लूर आए थे मेरे शहर में, मैंने उन पिताजी का भाषण हमारा तेलुगु भाषा में भाषांतर किया उस समय, क्योंकि वो हिंदी में बोलते थे नहीं तो अंग्रेजी में बोलते थे, और ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को दोनों भाषा अंग्रेजी या हिंदी उस इलाके में मालूम नहीं था, इसलिए मैं उसका भाषांतर करने का काम मैं करते थे, अटल जी का, अद्वानी जी का, मोरारजी भाई का और बहुगुणा जी का, और अन्य नेता जो उस इलाके में आते थे सबका भाषांतर करने का काम। मुझे इतना हिंदी में प्रवेश नहीं था, मगर थोड़ा सा टूटी फूटी हिंदी में जो भावना समझ के उसको लोगों को, उन लोगों का मातृभाषा में तर्जमा करने का काम मैं शुरू से करते थे। सचमुच में बचपन में हम लोग ने, हमारा इलाके में, चेन्नई के नजदीक है मेरा इलाका, तो हमने हिंदी विरोध आंदोलन में भाग लिया। उस समय मूड ऐसा था हिंदी का विरोध करना चेन्नई, और एक दिन हम लोग कॉलेज से बाहर आया, आंदोलन आंदोलन माने छुट्टी हैप्पी, तो बाहर आके फिर कहने लगे हिंदी डाउन डाउन। किसी ने कहा सर हिंदी हाई कहाँ हमारा शहर में, फिर हम लोग चर्चा करना शुरू किया हिंदी हाई कहा, सामने होना चाहिए ना कुछ डाउन डाउन बोलने के लिए भी, आजकल सामना नहीं है तो भी कुछ लोग डाउन डाउन बोल रहे हो तो अलग बात है। मगर तो एक बच्चे दौड़ के आके बताया सर दो जगह पे हिंदी का साइन बोर्ड है, कहाँ है? उन्होंने कहा एक पोस्ट ऑफिस में डाकघर, दूसरा रेलवे स्टेशन में। हम दो गुट बन के वहां गए और वहां जाके उसके ऊपर तार लगाया। बाद में जब मैं दिल्ली आया, केंद्रीय राजनीति में प्रवेश किया, तब मुझे समझ में आया भाई वो डाकघर के डब्बे के ऊपर नहीं, मेरा चेहरे के ऊपर मैंने तार लगाया, ऐसा समझ में आया। कारण क्या है, हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव नहीं।
मैं भाषा का महत्व से ज्यादा ज्यादा लोग को समझने ये भाषा मालूम है, बोलती भी है और पढ़ती भी है, तो ऐसी भाषा को सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जब भी चेन्नई भी जाता हूँ, वहां भी लोगों को कहता हूँ, भाई किसी भाषा का विरोध मत करो, सीखने के लिए प्रयास करो। हाँ, अंग्रेजी सीखना है, जरूरी है, मगर पहले अपना मातृभाषा, बाद में भारतीय भाषा सीखने से बहुत फायदा होगा। ये मैं हमेशा उनको बताता हूँ, और मैंने उनको एक फॉर्मूला दिया। वहां कुछ लोग सेंटिमेंट में हिंदी अभी भी विरोध करने वाले हैं, कुछ लोग कारण अलग हो सकता है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ क्यों विरोध कर रहे हैं। मातृभाषा हमारा आम कहना ऐसा है, स्थानीय समुदाय के स्तर पर वह सामाजिक आर्थिक सुधार का भी आंदोलन था, वह सांस्कृतिक जागरण का आंदोलन था, कल्चरल रिनेसांस। सर छोटीराम जी, इफ यू गो थ्रू हिज लाइफ, हिज टीचिंग्स, हिज राइटिंग्स, इज अ मैन ऑफ रिनेसांस, न्यू आइडियाज, रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ दोज टाइम्स, एंड जमीन से जुड़े हुए आदमी है। 1920 से 1940 की अवधि में अविभाजित पंजाब की राजनीति में चौधरी छोटीराम जी और उनकी यूनियनिस्ट पार्टी के योगदान को कैसे भुलाया जा सकता है, जिन्होंने धर्म के आधार पर देश के बंटवारे का विरोध किया है, हुई हिंसा का इतिहास गवाह है। तब सरदार पटेल ने कहा था, कहा भी था, आई वुड नॉट हैव हैड टू वरी ऑफ द पंजाब इफ चौधरी छोटू राम वाज अलाइव। छोटू राम जी जिंदा है तो मैं पंजाब के बारे में कोई सोचने का जरूरत भी नहीं होते, ये सरदार पटेल जी ने कहा, बिकॉज सरदार पटेल हैज टू टेक इनिशिएटिव टू मैच ऑल द प्रोविंसेस ऑफ द कंट्री, दैट्स अ बिग स्टोरी अगेन। दैट वाज द कॉन्फिडेंस ऑफ सरदार पटेल। 1919 के संवैधानिक सुधारों के बाद सर छोटूराम जी पंजाब विधानमंडल में चुने जाते रहे, अपने रूरल ब्लॉक के माध्यम से किसान और उस क्षेत्र के मुद्दे उठाते रहे। रूरल ब्लॉक ही फोकस ऑन द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स एंड विलेज पीपल। 1937 के चुनावों के बाद पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार में विकास मंत्री के रूप में सर छोटूराम जी ने किसानों को, साहूकारों, अड़तियों को शोषण से मुक्त कराने के लिए कानून बनाए। उस समय उन्होंने कृषि श्रमिकों के हित में जिन कानूनों को लागू किया, उन्होंने भविष्य के कृषि सुधारों की नींव रखी। उन्होंने ब्याज और कर्जे के कुचक्र से किसानों को मुक्त दिलाई, उनकी भूमि को वापस दिलवाया, किसानों के गिरवी रखे घर जानवरों का साहूकारों को कब्जे से बचाया, किसान अपनी उपज की सही दाम पा सक इसके लिए स्थानीय स्तर पर मंडियां स्थापित करवाया। मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने कृषि और पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली विकसित करने के लिए शोध संस्थान स्थापित किए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि सतलज पर बाकरा डैम का कल्पना सबसे पहले सर छोटूराम जी ने ही की थी, और उसके निर्माण के लिए अंग्रेजी सरकार तथा बिलासपुर के शासक से समझौता भी किया था। यह कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसने किसान और कृषि को समस्याओं को स्वयं अनुभव किया हो, जो अपने समाज की समस्याओं के प्रति गहरी समझ और संवेदना रखते हो। सर छोटूराम जी स्वयं एक किसान परिवार से, हमने अभी अभी फिल्म देखा, 11 वर्ष के उस बच्चे के वेदना के बारे में सोचिए जिसकी पढ़ाई के लिए कर्ज मांगने पर उसके पिता साहूकारों से अवमानित होना पड़ा है। ऐसी घटना उन बालक को शिक्षित होने और शोषण के खिलाफ लड़ने का संकल्प दिया है। सर छोटूराम जी ने केवल
देश की प्रतिष्ठा कॉलेजों से शिक्षा हासिल की बल्कि अपर स्वयं शिक्षक भी रही और कई शिक्षा संस्थाओं की स्थापित भी किया है। सर छोटू राम जी विचारक और लेखक थे, राइटर। उन्होंने ट्रिब्यून जैसा अखबार में नियमित लेख लिखकर समाज के लोगों को भी जगाया और कई अखबारों का संपादन भी किया है। अपने समुदाय में जागृत रहने के लिए अपने जाट गजट नामक पत्र की स्थापना की और उसमें लेखों के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं पर लोगों का ध्यान दिलाया, उन्होंने संगठित किया है। मुझे बताया गया है कि जाट गजट हरियाणा का माने पेडेस्टल फ्रॉम हु बुक्स व्हिच आर पब्लिश्ड टुडे दे शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल लाइब्रेरीज अक्रॉस द स्टेट सो दैट एवरीबडी इन द रूरल एरिया ऑल्सो विल बी एबल टू गो टू ग्रामीण ग्रंथालय में जाके पढ़ने का उनको तो दाम भी कम कर रहे हैं, अच्छा है, सब्सिडी भी दे रहे हैं, अच्छा है। और भी साथ ही साथ ग्रंथालय में पुस्तक पहुंचाने के लिए पंचायत घरों में पुस्तक रखने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसा मैंने कहा देश आत्मनिर्भर होना है तो आपको अच्छा नेतृत्व तो चाहिए, अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रेट लीडर्स लाइक सर छोटू राम जी व्हाट दे हैव डन। सो विद दिस वर्ड्स आई एम प्लीज टू रिलीज दीज वॉल्यूम्स एंड आई होप दैट विल गेट लार्जर अटेंशन फ्रॉम द पीपल। सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। उपराष्ट्रपति जी श्री वेंकैया जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे बीच आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी, मेरे बहुत ही साथी मित्र और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बघूना जी, यहाँ उपस्थित लगभग पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से आए हुए सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, राष्ट्रपति जी का मैं देख रहा था कि उन्होंने अपनी स्पीच 20 मिनट से पहले खत्म करनी थी लेकिन 35-40 मिनट वो आपके बीच में बोले, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान प्रेम इनके दिल में इस देश की जो अन्नदाता है उसके लिए कितना है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है। मैं इनका धन्यवाद करूंगा और हरियाणा सरकार का और मुख्यमंत्री जी का और हमारे छोटू राम जी पे जो ग्रंथ, जो 5 खंड उनके जीवन पे, उनके कार्यों पे, उनकी लेखन पे, उनके भाषणों पे जो आए हैं, उसका अगर सही तौर पे मैं धन्यवाद करूं तो ये शुरुआत डॉक्टर केसी यादव ने की थी और उसको पूरा करने का काम वो डॉक्टर रघुवेंद्र तंवर जी ने किया और इनकी टीम ने किया और इसमें हरियाणा सरकार ने अपने तरीके से पूरी मदद की, तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं कि एक धरोहर जिसका जिक्र उपराष्ट्रपति जी ने किया, ये धरोहर होगी देश की और खास तौर पर उत्तरी भारत के पंजाब की, किसान की, हरियाणा की और यहीं तक नहीं पाकिस्तान का पंजाब भी उतना ही छोटू राम जी के प्रति ऋणी है जितना कि पंजाब और हरियाणा का किसान और कमेरा वर्ग है।
मैं दो मिनट का समय है, लेकिन मुझे एक दृष्टांत मैं देना चाहता हूं, क्योंकि प्रेम सिंह चंदू महाराज जी यहां उपस्थित हैं। सीपीएम के बहुत बड़े लीडर, मुझे पता लगा कि वो बीमार है, हरकिशन सिंह सुरजीत, तो मैं उनके यहां मिलने गया, तो उन्होंने मुझे छोटू राम जी के बारे में एक छोटी सी बात, और कितनी बड़ी उनकी सोच हो सकती है मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। वो कहने लगे कि जब छोटू राम जी ने, जिनको गोल्डन लॉज बोलते हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का अगर कोई पहला कदम किसी ने उठाया है 1936 और 1937 में, तो उनके बनाए हुए कानून पे उस समय की कांग्रेस पार्टी जो अपोजिशन में थी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने पंजाब की कांग्रेस पार्टी को कहा कि आपने असेंबली में छोटू राम के बनाए हुए कानूनों का समर्थन करना है, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को स्वीकारा नहीं। उनके अपने प्रांतीय स्तर पे शायद वो भावना ना हो, तो कह रहे थे कि छोटू राम जी ने उन्हीं दिनों में अमृतसर में एक बहुत बड़ी किसान सभा का आयोजन किया, और उसमें उन दिनों में आपको याद होगा कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस मिलके स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। तो हरकिशन सिंह सुरजीत जी मेरे को कहने लगे कि मैं जवान था और मैं काफी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेता था, तो मेरे को बुला के कहा गया कि तुम 100 लड़कों को लेके जाओ उस छोटू राम की सभा में और काले झंडे लेके जाओ उनका विरोध करने के लिए। कहने लगे कि हम नौजवानों की टोली पूरी वहां गई, और जब वो गाड़ी से उतरे तो हमने उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, और जो प्रोमिनेंट नारा था वो था इनकलाब जिंदाबाद। तो कहते हैं कि उस स्टेज पे जब चढ़े, बड़ी भारी भीड़ थी, किसानों का सम्मेलन था, स्टेज पे चढ़ के उन्होंने नारा लगाया इनकलाब कोई जिंदाबाद, किसी ने बोला नहीं। दूसरी बार फिर लगाया तो जो स्टेज पे बैठे जो चाटुकारिता के लिए मशहूर होते हैं किसी भी पार्टी में, उन्होंने सिर्फ स्टेज से नारा लगाया कि इनकलाब जिंदाबाद। तीसरी बार जब ये नारा लगा तो ऑडियंस से भी काफी लोगों ने नारा लगाया, और वो 2.25 घंटे, ये हरकिशन सिंह सुरजीत जी बताते मुझे कि 2.25 घंटे जब वो बोले, तो पहला काम तो मेरे जो 100 जवान थे उन्होंने अपने झंडों से काले, अपनी लाठियों से काले झंडे निकाले और अपनी जेब में डालने शुरू कर दिए। और उसके बाद जब खत्म हुआ कार्यक्रम, तो वो 100 के 100 आदमी छोटू राम जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और मेरे को आके हरकिशन जी बोलते हैं कि मैं उनका लीडर था, मेरे को आके कहते हैं और यार तू किथे लेके आया था, अपना ही बंदा है। तो ये इस किस्म के विचार से उन्होंने उत्तरी भारत के किसान के अंदर एक नई जागृति पैदा की, और इसीलिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप, मैं जब 1.5 साल पहले 1.75 साल पहले आपसे ये कहने गया कि राघवेंद्र तंवर जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, हमारी जो एकेडमी है उसके अंदर हिस्ट्री और कल्चर की, हरियाणा की एकेडमी, और वो ये चाहते हैं कि इसका विमोचन जो 5 वॉल्यूम है वो कोई किसान वर्ग का नेता करे। तो उस समय तो मैं मंत्री भी था केंद्र में, और आपके साथ भी 2.5 साल केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने का मौका मिला,
तो मैंने सोचा कि वेंकैया जी से अच्छा और कौन किसान नेता हो सकता है, और इसीलिए आपने 20 मिनट का भाषण 40 मिनट में खत्म किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपने खुद, जब मैं बीच में एक बार कोरोना ढीला हुआ तो आपने खुद कहा कि भाई करो प्रोग्राम, और फिर आपने खुद ही कहा आप तो वर्चुअल करनी पड़ेगी, तो फिर आपने कहा कि नहीं जब सामान्य स्थिति होगी तब करेंगे। तो ये आपका प्रेम, आपका आदर छोटू राम जी के प्रति, और जिनका जिक्र आपने किया कि बहुत से ऐसे राष्ट्रीय और नेता थे उस समय के जिनका इतिहास में जिक्र सुनने के मात्र है, नाम मात्र का है। और आज जो आप सब आए हैं, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके यहां आने से जो ये विचारधारा है जिसके कायल हैं आज भी किसान, जो ये समझते हैं कि अगर वो बंदा, मैं पंजाब, मैं पाकिस्तान के पंजाब की बात करता हूं, अभी एक सोशल मीडिया पे आया कि वो बंदा नहीं होता तो साड़ी तक जमीन गई सी। ये पंजाब के मुस्लिम किसान जो पाकिस्तान का पंजाब है वो बोलते हैं, तो इससे बड़े उनके लिए शब्द क्या हो सकते हैं। आप मुख्यमंत्री जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, और मैं ये कहूंगा कि कम से कम हमारी जितनी यूनिवर्सिटी है और जितने हमारे कॉलेजेस हैं सरकार के, वहां एक एक कॉपी ग्रंथ की उनकी लाइब्रेरी में जाए तो बच्चों को पढ़ने का बहुत अवसर मिलेगा। और ये सही बात है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। तो आप सभी का मैं हाथ जोड़ के बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और वेंकैया जी, मैं आपके जो प्रेरणादायक आज शब्द हैं उनके लिए भी मैं ये कहूंगा कि आपके मन में कहीं ना कहीं छोटू राम की विचारधारा और उनका किसान के प्रति प्रेम, ये आपके मन में भी, आपके दिल में भी है। और दिल, कई बार दिल का प्रेम जब दिमाग से मुकाबला होता है तो आदमी पीछे हट जाता है। आप उपराष्ट्रपति होके अपने दिल और दिमाग को, दोनों को, किसान के प्रति आपके जो उद्गार हैं उनके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। रणजीत रेडियो च एक बार फिर सारे का बहुत बहुत स्वागत जी। उम्मीद है कि तुसी पूरा जिहड़ियां झलकियां सुनिया प्रोग्राम दियां, और जिहड़े मुख्यमंत्री हरियाणे दे मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत अच्छी गल कही कि वह सार्वजनिक खेत्र दे विच जिहड़ा सीगा बहुत ज़्यादा विकास कर रहे सी। इस नाल मैं ये भी दसना चाहवांगी कि सर छोटू राम आर्य समाज दे नाल भी जुड़े हुए सी, इसी करके शायद वो समाज सुधारक सीगे। ते अगे जाके असीं तुहानूं कुछ जिहड़ियां होर भी झलकियां सुनावांगे जो आर्य समाज जिहड़ी सर्वदेशिक प्रतिनिधि सभा है उन्हां जिहड़े प्रधान आ स्वामी आर्यवेश, उन्हां दे नाल भी गलबात करावांगे। जिहड़े साडे सांसद ने हिसार तों बरजिंदर सिंह जी, उन्हां दे नाल भी गलबात करावांगे। इस तों इलावा कुछ किसान ने जिन्हां ने अपने विचार रखे ने, उन्हां दे भी असीं तुहानूं रूबरू करावांगे। ते सब तों वधिया गल मैनूं इह लगी कि साडे जिहड़े आदरयोग उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने एक गल बहुत अच्छी कही और बहुत चंगी गल है। उन्होंने कहा कि अपनी मातृ भाषा दे वल जरूर ध्यान देना चाहिए और हिंदी वल भी ध्यान देना चाहिए। बहुत चंगी गल है क्योंकि असीं सोचते हैं कि जे असीं अंग्रेजी भाषा च ज्ञान हासिल करते हैं तद ही असीं अगे वध सकते हैं, पर अजिही कोई गल नहीं। तुहाडा ज्ञान होना चाहिए भाषा कोई भी होवे। और उन्होंने बड़ा ही सर छोटू राम जी जिहड़ियां उपलब्धियां वो गणवाइया की उपलब्धियां किन्नी वधिया सीगियां। और श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दस्सिया कि सर छोटू पहला विश्व युद्ध होया तो सेना दे विच हज़ारा ही नौजवान हरियाणे तो भर्ती हुए, उन्होंने ही उन्होंने प्रोत्साहन दिता और बहुत कुछ किया चौधरी छोटू राम जी ने। सिर्फ किसानों ने नहीं, सैनिका मतलब देश भगती की भावना और जज्बा जड़ा है वह जगाना चाहते सीगे। इस तरह के सन सर छोटू राम, इस तरह के सन रहबरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम, जिन्होंने
किसानां दे लई भले दे काम कीते, नाल ही अंग्रेजां नूं अपने अगे चुकण लई मजबूर कर दिता दीन बंधु सर छोटू राम जी ने। और अज उन्हां दीआं स्पीचिज एंड राइटिंग्स दे 5 वॉल्यूम्स रिलीज होए, इस लई रणजीत रेडियो वालों बहुत बहुत ढेर सारिया मुबारक ते शुभकामनावां। आओ सुनते हैं कुछ होर, सुनते भी हाँ और देखते हैं, हुण देखते हैं कुछ होर प्रोग्राम दीआं झलकियां जिदे विच आर्या सर्वदेशिक प्रतिनिधि सभा दे प्रधान आर्या वेश जी अपनी चौधरी माफ करना सर छोटू राम जी दी जिहड़ी विचारधारा, उन्हां दा जिहड़ा तर्क सी, विचारधारा सी, फिलोसफी सी, उहदे ते गल करनगे। और सानूं जिहड़े बरजिंदर सिंह जी है, उह दस्सणगे कि इन्हां 5 वॉल्यूम्स दे विच की है और डिजिटल वर्जन कब तक आएगा। तो फिर साड़ी मुलाकात होगी किसान भरावां दे नाल जो अपने विचार साढ़े नाल सांझे करनगे। आओ चलते हैं। रणजीत रेडी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत। जिवें तुसी जानते हो कि अज असी दीन बंधु सर छोटू राम जिन्हां ने किसानां दे लई बहुत कुछ किया उन्हां दे बारे च असी गलबात कर रहे हैं और वक्ख वक्ख जिहड़े बुलारे आ उन्हां दे बारे अपने विचार पेश कर रहे ने। तो हुण असी जिहड़े विचार जिहड़े लवांगे स्वामी जी को लवांगे, स्वामी आर्यावेश जी जो आर्य सभी प्रतिनिधि सभा अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष ने, बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्वामी जी का। धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छा लगता है आपका ही बार अपने चैनल को लेकर के आप आते हैं और हमें विचार प्रस्तुत करने का मौका देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अच्छा स्वामी जी, जो सर दीन बंधु थे उनकी क्या फिलॉसफी रही? दीन बंधु सर छोटू राम की फिलॉसफी यदि बहुत थोड़े में हम बताएं, उनकी सीधी सीधी सोच ये थी कि इस देश का वह व्यक्ति जो खेत से जुड़ा है, खेती से जुड़ा है, कृषि से जुड़ा है, चाहे वो चाहे ज़मीन का मालिक है या उस पर खेती करता है या उसके साथ दूसरा जो गरीब आदमी सहयोग करता है उसकी खेती में मजदूर के रूप में, वो सब लोग इस देश की रीढ़ हैं, उनके ऊपर इस देश की इकोनॉमी टिकी हुई है। ये कृषि प्रधान देश है, इस देश में 73% जो लोग हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं। ऐसे में दीन बंधु सर छोटू राम ने जब अपने समय में देखा था तो उन्होंने देखा कि कैसे साहूकारी प्रथा थी यहाँ पर, लोग बहुत थोड़े थोड़े रुपए में लोगों को डेट बॉन्डेज जिसको कहते हैं ऋण दे करके उनको बंधुआ बना लेते थे। 20 रुपये 50 रुपये उस जमाने में एक व्यक्ति को उधार देकर उसकी 3-3 पीढ़ी से वो काम लेते थे, बेगार उनसे उनके ऊपर लाद देते थे, उसके मेहनताना नहीं देते थे, काम लेते रहते और फिर जब वो वापस जाने की बात कहता तो कहते कि पहले मेरा कर्जा चुकाओ। सर छोटू राम ने खुद अपनी ज़िंदगी में भी जब वो बहुत छोटे थे इस बात को स्वयं देखा कि जब उनको पढ़ाई के लिए अगले दूसरे स्कूल में जाने के लिए एक तरह से उनका समय आया तो घर में पैसे नहीं थे कि एडमिशन ले सके, तो सेठ जी के पास साहूकार के पास जो कर्जा देते थे अपने पिता को लेकर के गए और उसने बड़ा ऐसा रूढ़ व्यवहार किया उनके पिता के साथ कि इनको वो बात चुभ गई। वो तो कहने लगे आप अपने इस बेटे से कहो कि ये मेरे लिए जो है ये जो मेरी हुक्का रखा है इसको भर के लाए और तुम जो ऊपर पंखा है इसको तुम हिलाओ, हवा करो मुझे। जब ये बात कही तो सर छोटू राम यद्यपि 8वीं का एक विद्यार्थी था छोटा सा, किंतु इस बात को सहन नहीं कर सका और उन्होंने तुरंत अपने पिता से कहा कि इस ऐसे व्यक्ति से तुम लोन लेकर उधार लेकर कर्ज लेकर मुझे पढ़ाओगे, मेरी आत्मा नहीं मानती कि इस तरह का ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति से उधार पैसा लिया जाए। कितनी बदतमीजी है, मेरे सामने मेरे पिता से पंखा हिलवाने की बात करता है ये आदमी, मुझे नहीं चाहिए इसका लोन। तो बड़े मुंह बिचका करके उसने कहा चौधरी साहब ऐसे बच्चे को पढ़ा के क्या करोगे जो इतना निकम्मा है, जो ऐसी भाषा बोल रहा है। वही सर छोटू राम उस बचपन के उस घायल उस पोजिशन को लेकर के बढ़ता चला गया और एक समय आया कि जब वो वजीर बने उन्होंने सबसे पहला काम ये कहा कि कर्जा जो लिया जाता है ये खत्म होगा। रणजीत रेडियो थोड़ा सारिआं दा एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। जिवें मैं थानू दस्या कि किसानां दे मसीहे दीन बंधु सर छोटू राम अज उन्हां दीआं राइटिंग्स और स्पीच दे उपर जिहड़े 5 वॉल्यूम्स रिलीज़ होए है और भारत दे आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने रिलीज़ किए और साडे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब मनोहर लाल खट्टर जी, चौधरी वरिंदर सिंह जी जो यूनियन मिनिस्टर रहे ते होर बहुत सारे जिहड़े प्रमुख नेता शामिल रहे ते नाल ही बड़ी खुशी हो रही है कि उन्हां दे
पर पोते चौधरी बरजिंदर सिंह जी जो सांसद ने हिसार तो उन्हां नाल गलबात करन दा मौका मिल रहा है। पहला उन्हां दा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। सर तुहानूं कहो जिहा लगता है कि आवली पीढ़ी दे विच आ के तुसी अपने परदादा जी दी जिहड़ी लिखियां होईयां राइटिंग और स्पीचिस जिहड़ियां और रिलीज़ कर रहे हो और इस फंक्शन च शामिल हो रहे, कहो जिहा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस होता है कि जो एक लेगेसी है, जो एक परंपरा है, वो धरोहर जो मिली है और उसका हिस्सा होने में बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व होता है। और आज का जो ये मौका था, जो उनके ऊपर जो ग्रंथ लिखा गया है, उनकी खुद की स्पीचेस और राइटिंग्स हैं, 5 वॉल्यूम उसके हैं, बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, करीब 4,000 पेजेस में है। तो वो लोग ख़ास तौर पर नई पीढ़ी जो है, जिनको उनके बारे में, जैसे हर महापुरुष के बारे में जानने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत इसके अंदर है पढ़ने का और सीखने का। अच्छा सर, एक चीज़ नवी आ रही है, नवी पीढ़ी के आ रही है, सिलेबस बुक्स तो असं बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जेडे इदा दचारधारा है, थोड़ी क्रांतिकारी विचारधारा, इंसानियत लिए कुछ करना, ये अजक कुछ नहीं, कि ये जो ग्रंथ है आने वाले दिनों असी ये आस रख सकते हैं कि सिलेबस के आ जा? देखिए, मैंने वही कहा कि उम्मीद तो यही है, हालांकि मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं मानता कि नई पीढ़ी सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक नहीं है, लेकिन शायद उनका जो दुनिया को देखने का नज़रिया है वो उसमें बदलाव आया है, क्योंकि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो लोग अपने इतिहास को याद नहीं रखते, इतिहास उसको मस्त कर देता है। तो ये चीज़ सबको ध्यान रखनी चाहिए और अपना जो इतिहास है, आज जहाँ हम हैं, यहाँ की स्थिति में कैसे आए, कौन वो लोग थे, कौन वो महापुरुष थे जिन्होंने वो नींव तैयार की कि आज एक हम खुशहाल समृद्ध भारत में, पंजाब में जी रहे हैं। तो अपने जितने भी पुरखे हैं जिनका योगदान बहुत रहा है, उनके बारे में जानना मेरे हिसाब से अपने खुद के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आदमी की जो अपनी सोच है वो उससे बनती है और समाज के प्रति जो एक संवेदनशीलता है वो उससे जागृत होती है जी। अच्छा सर, जो 5 वॉल्यूम्स हैं, इधर विच की है स्पीचेस और राइटिंग्स? नहीं, देखिए, जो पहले 3 वॉल्यूम हैं वो अंग्रेज़ी में हैं जी। सर छोटूराम की जो भी लेखनी है वो या तो अंग्रेज़ी में है या उर्दू में है जी। और उनकी स्पीचेस बहुत हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो उनकी स्पीचेस हैं, उसके अलावा कुछ पब्लिक स्पीचेस भी हैं जो इन वॉल्यूम्स में डाली गई हैं। जो वॉल्यूम 4 और 5 है वो हिंदी ट्रांसलेशन है, वो हिंदी ट्रांसलेशन है। 2 पब्लिकेशन थी जो सर छोटूराम खुद चलाते थे, एक का नाम था जाट गजट और एक थी बेचारा जमींदार, जिसमें वो अपने विचार लिखते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो विचार आम तौर पर या तो उर्दू भाषा में थे या अंग्रेज़ी में थे। तो इन दो जो ये जो प्रकाशन थे, जाट गजट और बेचारा जमींदार, इसकी ट्रांसलेशन सारी की सारी हिंदी में वो 4th और 5th वॉल्यूम में। अच्छा सर, जिमें पता ही है कि हूँ जोड़ा सोशल मीडिया का जमाना है और डिजिटल जो है उन्हें बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाता है, कि ये कोई डिजिटल वर्जन आएगा? नहीं, डिजिटल वर्जन तो जी इसका ज़रूर होगा और डिजिटल वर्जन तो क्रिएट करना बहुत आसान है जी। औखा काम जो है वो ग्रंथ तैयार करना है। और मेरा खुद पर्सनली ये मानना है, हालांकि ज़माना भले ही बदल रहा हो, कि जो कागज़ पर लिखे कि जो पढ़ने में जो एहसास होता है, जो आदमी उसके बारे में फील करता है जी जी। वो एक कंप्यूटर स्क्रीन पे या लैपटॉप पे कम से कम मुझे तो उतना आनंद नहीं आता जी। मैं जब तक, क्योंकि मेरी आदत है पन्ने पलटने की जी। कि जो पीछे पढ़ा है एकदम से ध्यान आया क्या पढ़ा था, पीछे जाओ, वो सारी सुविधा है डिजिटल में, मैं मानता हूँ। लेकिन मेरी खुद की जो पर्सनल चॉइस है वो बुक फॉर्म की है, जो पेपर पे है। लेकिन हाँ, डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल की सबसे बड़ी खूबी जो मैं मानता हूँ वो ये है कि उसमें कीमत जो है वो तो बिल्कुल ही शून्य हो जाती है। सो और डिजिटल से जो इसका फैलाव है वो निश्चित तौर पे उससे जो पाठक जुड़ सकेंगे उनकी संख्या कहीं ज़्यादा होगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और साढ़े वालों बहुत बहुत मुबारक था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अज असी उस समागम के बहुत सारे जो किसान भाई साढ़े नाल जुड़े ने, बहुत सारी ऑडियंस है, उन्होंने विचार जरूर जानना चाहवांगे जी।
सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत है। मैं अम्बाला से सुरजीत सिंह हूँ जी, अम्बाला से सुरजीत सिंह जी, और दीन बंधु सर छोटू राम का अम्बाला से डिस्ट्रिक्ट प्रधान जी मिले। अच्छा जी, हाँ अच्छा सर, दीन बंधु सर छोटू राम जड़े उन्होंने बहुत सारे काम किए, वो भी अंग्रेजों के टाइम के उत्ते, और उन्होंने चुकने लिए मजबूर किया, बहुत सारे कानून पास किए। आज की स्थिति तो उस वेले की स्थिति की फर्क देख रहे हो? आज की स्थिति और उस टाइम की स्थिति बहुत अंतर है जी। उस टाइम सर छोटू राम ने जो भी कर्जा लिंदा सी, अगर 100 रुपये लिया ना, उसने ये कानून बना दे 200 से ज़्यादा वापस नहीं ले सकते आप उससे जी। आजकल तो फिर मतलब उसूल 1400 3 गुणा कर ले जी। हैं जी, ये जो एतवार की छुट्टी का सिस्टम बनाया भी सर छोटू राम जी ने बनाया, जो हरियाणा में मंडीकरण पराने पंजाब में जो मंडीकरण बनाया है, ये भी सर छोटू राम जी ने बनाया है। एक बार अंग्रेजों के साथ उसकी पूरी टक्कर हुई, अंग्रेजों को उसने कहा भी आप कणक का रेट उस टाइम मण होते थे, आजकल तो क्विंटल है जी, भी आपने 10 रुपये कर लिया। अंग्रेजों ने कहा कि हम 6 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे जी। तो सर छोटू राम जी ने मेज पे मुक्का मार के बोला कि हम तो ले के रहेंगे। तो अंग्रेज बोले कि हमारे पास पावर बहुत है, हम आपके घर से ही अनाज उठा लेंगे, आपकी हिम्मत कैसी है जी। सर छोटू राम बोले कि हम उतना ही पैदा करेंगे जितना हम खाएंगे, फालतू पैदा ही नहीं करने के हम, बस ये थोड़ा जिद कर रही है सरकार जी। हाँ, सरकार जिद कर रही है, इन्हें मार लेनी चाहिए बच्चे। नहीं थानू की लगता है कि सर छोटू राम कितना मनाते सी अंग्रेजा नू? वो तो आपने पता ही, वो तो जबरदस्ती बना ले थे, अब थोड़ा सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ जी। हाँ धन्यवाद। अच्छा जी, अगे पूछते हैं सर छोटू राम की, मैं बार बार गल दस रही क्योंकि साढ़े जिहड़ियां अगलियां पीढ़ियां वो जरूर जानन कि जिहड़े साढ़े पूर्वज सी वह कितना ज़्यादा संघर्ष करते सी, अपने हक्कां प्रति कितने जागरूक सीगे। गल करते हैं। हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत जी रणजीत रेडियो जी। तुहाडा नाम जी? साहब सिंह अंबाला से जी। आज बहुत अच्छा लगा जी, जो छोटू राम जी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ मिली जी, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक आदर्श साबित होंगे जो ये मुहिम आज इन्होंने छेड़ी है, तो इसका बहुत ही फायदा आने वाले जो इनको लिटरेचर को पढ़ेंगे जी, उनको बड़ा फायदा लगेगा जी। बहुत ही बढ़िया इंसान थे जी, अच्छी शुरुआत हुई जी। सर MSP की गलती ही आ जाती मैं दोबारा फिर, क्योंकि सारियां दे विचार जानने बहुत जरूरी है, जो इस वेले मसला बड़ा भखिया होया है और सारियां दा ही मसला है, क्योंकि किसान दे घरों ही रोटी आती है, किसान दे घरों ही अन्न आता है। उस वेले चौधरी छोटू राम जी ने MSP 6 to 11 रुपये करवाती सी, रेट करवाया सी, आज जो उसी गल ते कुंडी अड़ी हुई है, की कहना चाहते? तो MSP और स्वामीनाथन दो प्रोग्राम अब चल रहे हैं जी। उस टाइम MSP हुआ थी, अब एक स्वामीनाथन कमेटी बनी थी जी, उन्होंने एक फार्मूला तय कर दिया था जी। अब जो रेट बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से बढ़ रहे हैं जी। अब आप जो बात कहना चाह रहे या पूछना चाह रहे जी, वो ये है कि MSP किस तरीके से बढ़नी चाहिए जी। तो मैं तो यही कहूँगा जो ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उस हिसाब से MSP बढ़नी चाहिए। थानू की लगता है कि विच की मुख्य समस्या की है, क्यों नहीं मसले का हल हो रहा? साढ़ा एक एक सवाल, मसले का हल क्यों नहीं हो रहा? देखो जी, मसले का हल तो जब दोनों पार्टियां कहीं टेबल पर बैठेंगी तो होगा जी। जो इनका गैप बन रहा है ना जी बैठने का, वहाँ थोड़ी दिक्कत है यार, नहीं तो कोई बड़ी समस्या है नहीं। की कहना चाहोगे इसी बारे, क्योंकि जिहड़ा साडा अजोका समा है उस वेले जो समस्या हो रही है सारे परेशान है, कल्ले किसान नहीं आम जनता भी, ट्रैफिक जाम हो रहे ने, होर बहुत सारी समस्यावां ने, की कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहते हैं जी, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से वो अपना जो उनका अड़वाई का वो रवैया है ना, उसको थोड़ा वो कम करें जी, और किसानों से प्यार से बात करें, और उनकी कुछ अपनी भी समस्या जो उनको प्रॉब्लम आ रही है वो किसानों के साथ डिस्कस करके इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, मसले को सुलझ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। किसान तो एक आपको पता ही है सबसे शरीफ आदमी है, वो भी मान जाएंगे, अगर उनको प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएंगे, और उनका हक उनको देना चाहिए जो उनकी मेहनत की कमाई है। हाँ, जसवीर लठवाल है। सरकार किसानों को बुला, ये किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ, तो प्रधानमंत्री की कोठी के नज़दीक बैठे हैं, उनको बुलाओ और उनकी मांग मांगो। अब ये पहले गोदाम बनाए और फिर कानून लागू कराया, तो ये सरासर सरकार की गलती है सारी जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस कानून को किसान नहीं चाह रहा उसके ऊपर आगे से थोपा जा रहा है, तो ये गलत है। तो उनको MSP की गारंटी दो,
और किसान को बुलाओ पहचान तो बैठा है यहाँ इंतज़ार में। इतना बड़ा संयुक्त मोर्चा पूरे देश का किसान इसी इंतज़ार में बैठे हुए, हमारी ये गारंटी लो और ये मंडियों को ख़त्म करने लगे तो मंडियों के बगैर कैसे काम चलेगा। तो मंडी तो ज़रूरी है इस देश में जी, बिल्कुल। मंडी के बगैर तो ये देश ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि पहला ट्रायल लेंदी सरकार जब वाकई कोई नवी चीज़ लेके आई है, आप कोई नवी चीज़ लेने तो पहला अपन ट्रायल लेने मतलब कोशिश कर दे भी देखिए की होता है कि फिर ये संभव सीगा, क्योंकि सरकार ये कह रही कि पिछले बिचोले खत्म किए। कैसा ट्रायल ले रही है यहाँ की बेंटोनाइट बॉक्साइड चाइना के लिए लोहा हीरा अबर कोयला सारी की सारी मायने से एक आदमी को देने लग रही है धनी को सारी पूरे हिंदुस्तान में हम भी घूम के देखे हैं जोर तो इन्हें 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि अदानी को दे दी 25 पैसे गज में और 50 पैसे गज में 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि 7.5 लाख किले जिन उन्होंने पहले गोदाम बनाए हैं बाद में पहले गोदाम बनाए हैं उसके बाद में वो कानून लागू हो रहा है कोरोना काल में। तो ये सरासर धोखा है किसान के साथ। किसान को बुलाओ और प्रेम से उस लड़ाई को ख़त्म करो जी। अच्छा सर, सर छोटू राम जी बारे की कहना चाहते? छोटू राम जी की भी यही लड़ाई थी जो किसानों की आज लड़ाई है वही छोटू राम की थी। इनने भी छोटू राम जी ने भी किसान की वो सारी मजदूर की किसान की सारी ज़मीन को बचा इसी तरीके से। इसी तरीके से ये अदानी वगैरह ये भी किसान की लैंड को लेना चाह रहे हैं सारी की सारी को। और चौधरी छोटू राम ने भी MSP पे लड़ाई लड़ी थी और ये किसान जो संयुक्त मोर्चा है ये भी इसी पर लड़ाई लड़ रहे हैं। राम कुमार सोलंकी, प्रधान 360 गांव पालम दिल्ली। जी बहुत बहुत स्वागत जी। सर आज सर छोटू राम जी उन्होंने राइटिंग्स एंड स्पीचेस दे उते 5 वॉल्यूम जो रिलीज हुए और साडे देश दे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने रिलीज किए, तानू कहो जे महसूस हुआ? देखो जी हमें आज गर्व महसूस हो रहा है। हमारे एक वो ऐसे जमीनी नेता जुड़े हुए थे किसानों के जी, सर्व जात के सर्व धर्म के वो किसानों के नेता थे। उनके बारे में जो आज ये 5 वॉल्यूम जो जारी हुए हैं हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ऐसे आदमी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज जो ये किसान जो अपने ज़मीन पे खा कमा रहे हैं वो उसी की बदौलत है, नहीं तो पहले सब ज़मीनें गिरवी वगैरह रखी थी, कोई जो साहूकार थे उन पर कर्ज देते थे और उनका क्या नाम शोषण करते थे। आज शोषण से बचाव छोटू राम जी ने ही किया है। और अब जो ये ज़मीनों के जो हम चाहते हैं ये सरकार उसका MSP लागू और कर दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। पूरे किसानों का सर जातीय का था, उसमें उनकी खबरें आती थी, गरीबों का मसीहा बोलते थे उनको जी। जो गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा, क्योंकि पहले बाकी उनका शोषण था उनका मसीहा के तौर पर आप छोटू राम को पाकिस्तान तक के मुसलमान जो हैं वो भी आज भी उनको मानते हैं जी। कहते कि जोड़ा जिन्ना सिगा उन्हें संप्रदायिकता के तौर पर जो वंड करनी चाहिए या पंजाब दे विच अपना ज़्यादा प्रभुसत वधाना चाहिया तो सर छोटू राम ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया जी। जो जिन्ना सिगा मुस्लिम लीग सी उस वेले भी सर छोटू राम ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। हाँ जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया था, कहना जी हम ना तो देश का बंटवारा चाहते हैं ना और चाहते हैं। वो किसानों के हक में ही बोलते थे, किसानों के अलग कोई जाति नहीं, किसानों की एक ही जाति है, जो खेती करता वो किसान है। उसमें धर्म के नाम से कोई उन्होंने जाति का पक्ष नहीं लिया कभी। जिन्ना करता था मुसलमानों का पक्ष, परंतु वो मुसलमानों का भी और हिंदुओं का भी सर्व धर्म का, जिसको जो खेती करता था वो उसका हिमाती था चाहे किसी भी धर्म का। सर छोटू राम दीन बंधु छोटू राम जिन्होंने बहुत सारे कानून बनाए उस वेले जो देश गुलाम सी, आज देश आज़ाद है, साडा किसान बॉर्डर ते बैठा है। बहुत लंबा समा बीत गया अंदोलन नू, काफ़ी उतरा चढ़ाव भी आए, पर पता नहीं क्यों सरकार जिहड़ी हुंदी है वह माता पिता की तरह हुंदी है और अपनी औलाद के दुखों सुखों जानती हुंदी है, पर पता नहीं क्यों सरकार अपनी जित ते ने और किसान पहलवान फरीदाबाद जी। अच्छा जी कालू पहलवान जी, तुसी ये दसो कि जो हुण दा मुद्दा है फिलहाल तो सर छोटू राम बारे की कहना चाहते? छोटू राम ने किसान और मजदूर को जिंदा कर दिया और ये जमीन सगड़ी उनके चली जाती व्यापारी के। अगर ये आदमी नहीं पैदा होता हरियाणा में तो हम किंगे के भी नहीं रहते। और आज ये जो मोदी सरकार है वही काम करने आ रही है, फिर के दोबारा जमीन को हमारी को गिरवी धर देगी। क्या इस मसले का हल की है?
इस मसले का हल की है? जो कानून है उनको रद्द कर दो, ये है। अच्छा, ऐदा नहीं हो सकता कि सरकार भी बैठे किसान भी बैठन, तुसी अपना बना के लाओ सरकार अपना, और फिर जड़ी चीज़ सही हो एक नवी चीज़ बने। खूब हो जाएगा, मोदी साहब 3 कदम आगे बढ़ गए, वो 2 कदम तो पीछे हटे, 1 कदम तो फिर भी आगे रहेंगे, वो बिल्कुल ही नहीं हट रहा पीछे, 1 कदम भी पीछे हटेगा तो 1 हम भी हटेंगे। तो बीच में उन्हों का यह दावा है कि वो बार बार सरकार कह रही कि आके सड़ना गल करो, और किसान कह रहे नो और यस दे विच सानू जवाब चाहिए। ना ना ना, किसान तो तैयार है, कई मीटिंग करी, वो अपनी वही बात रखें जो उनकी है। रास्ता तो जब खुलेगा, जब वो कुछ आगे बढ़ेंगे, वो बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहे, पीछे नहीं हट रहे बिल्कुल भी, उसी कारण उनको कह रहे हैं पहले कुछ। जी बिल्कुल, देखो लोगों के बहुत ज़्यादा रोस है। सर छोटू राम जी, मैं गल करा, वल्लभ भाई पटेल ने कहा सीगा कि अगर अज सर छोटू राम जिंदा होंगे जो देश आज़ाद हो गया सी, ते पंजाब दी मैनू चिंता करन दी जरूरत नहीं होंगी, ते अज फिर चिंता दा विषय आके खड़ा होया होया है। ते उम्मीद करते हैं कि कोई तो आस दी किरण कितों तो रोशनी दी किरण आएगी और इस मसले दा हल होएगा। धन्यवाद जी। दोस्तों मैनू उम्मीद है कि थानू ये जिहड़ा प्रोग्राम है बहुत पसंद आया होएगा। गुरुग्राम दे विच प्रोग्राम होया जिसनू असीं गुड़गांव भी कहिंदे आ, और उपति आदर योग उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ सर छोटू राम के जो 5 वॉल्यूम्स है वो रिलीज किए, और प्रोफेसर रघुविंदर तंवर जी जो कि हरियाणा अकैडमी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर के डायरैक्टर ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस विच भूमिका निभाई, और श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी बहुत अच्छा किया कि वह सिर्फ किसानों लिए नहीं सैनिकों लिए भी करते सन, और चौधरी वरिंदर सिंह जी के पुत्र बरजिंदर सिंह जी ने भी बहुत अच्छी गल दसी कि डिजिटल वर्जन भी जल्दी आएगा, पर नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि जो किताब पढ़न दे विच आनंद है ना, वो डिजिटल वर्जन दे विच नहीं है। मेरा भी यही मानना है दोस्तों कि जो किताब पढ़न दे विच आनंद है वो डिजिटल वर्जन च हो सकता है होवे, क्योंकि साड़ी आज दी जनरेशन, साड़ी अपनी जो पीढ़ी है वो इस चीज़ नू लाइक करती है, पर वो भी एक आनंद है, उसका भी मज़ा जड़ा लुत्फ जड़ा है वो उठाना जरूर चाहिए। और चौधरी वरिंदर सिंह जी ने बहुत अच्छा भाषण दिता, उन्होंने दसिया कि किस तरह वो कोई विरोधी बंदा भी हुंदा सी तो उन्हें भी अपना बना लेंदे सी, जिवें कि इंसान तो उही हुंदा जो आप जिहड़े लोग विरोधी हुंदे उन्हें भी अपना बना सके, क्योंकि दुश्मनी करनी तो हर कोई जानता पर प्यार करना कोई कोई जानता। जी हाँ जी, और किसानों की जिहड़ियां थोड़ियां जी शिकायतें ने अपनी सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार माई बाप हुंदी है, पहला तुसीं सुणिया होणा माई बाप, ते जिहड़ी प्रजा हुंदी है जिहड़े लोग हुंदे ने ओह उहदे बच्चे हुंदे ने, ते बच्चों नूं जदों भी तकलीफ होवे तो अपने बाप नूं जरूर कहिंदी कि सानूं ये तकलीफ है और इस तकलीफ दा जिहड़ा हल जरूर होना चाहिए। तुहानूं पता कि किसानी अंदोलन नूं बहुत लंबा समा बीत चुका है और इहदा जिहड़ा हल है वह नहीं हो रहा, और किसानों का यह कहना है कि यह कारण है जिद। दोस्तों रिक्वेस्ट है, रणजीत रेडियो की भी यही रिक्वेस्ट है कि जिद किसी भी पासों हो रही होवे उसनूं छड़ देना चाहिए है, और जल्दी तो जल्दी इस मसले का हल करना चाहिए है। किसान साढ़े अन्नदाता ने, साढ़े भरा ने, और असी जे अज रोटी खा रहे हैं तो इन्हों के सिर पर ही खा रहे हैं। लो जी, ये नाल ही अपनी दोस्त रणजीत कौर संधू नूं आग्या दिओ, पर जाण तो पहला एक गल कहां कि दोस्तों प्रोग्राम बनाउंदिआं होइआं अनेकां गलतियां हो जांदियां ने, कुछ टैक्नीकल हुंदियां ने, कुछ होर तरह दियां गलतियां हुंदियां ने, और साडी हमेशा कोशिश रहिंदी है कि असीं अगे तो अगे सुधार करदे जाइए ते अगे तो अगे वधदे जाइए, पर तुसीं सानूं अपने सुझाव जरूर दिया करो, ते साडा ईमेल आईडी है newsonistudio@gmail.com। तो दोस्तों नाल ही इस मेहनत के वजह सानूं यह चाहिए कि तुसीं साडे प्रोग्राम नूं और साडे रेडियो नूं सबसक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, और अपने विचार जरूर सांझे करो। और एक गल होर याद रखो, वह ये कि असी अपने इनवायरमेंट का पूरा ध्यान रखना, कोशिश करो प्लास्टिक के लिफाफियां की वरतों घट करो, वध तो वध दरख्त लगाओ, और इस नाल ही जिहड़े साडे विचारां दे विच प्रदूषण आ रहा है, जिहड़े साडे विचारां दे विच वंड आ रही है किसी भी पद्धर नूं लैके, उसनूं दूर जरूर करो। फिर इस दे नाल ही अपनी दोस्त रणजीत कौर संधू सोनी नूं आग्या दिओ, सारिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल।